हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीसी सेंटर। तो आज का टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए आगे की टॉपिक कौन कौन सा पढ़ाए जाएंगे और इस चैनल पर कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ाया जाता है, इसको आपको जानना बेहद ज़रूरी। तो आप पहले इसको देख लें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सारे टॉपिक को देख लिए होंगे। इसमें से कुछ टॉपिक हम कंप्लीट कर दिए और कुछ टॉपिक को रेगुलर हम एक दो वीडियो डाल करके कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की ओर दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, तो आज इंग्लिश ग्रामर का मेरा पार्ट 11th यानी कि 11th डेज है। ठीक है, हाँ। तो आज का यूज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका यूज तब किया जाता है जब कोई काम करने की मजबूरी बताई जाए कि ये काम करना ही होगा। जैसे देखिए, इसका काम इसका जो हम आज का इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो मेरा सेशन है, इसका यूज तब करेंगे ना जब कोई मजबूरी बताई जाए। जैसे मुझे खाना खाना पड़ता है, या मुझे खाना खाना होता है, ठीक है, या मुझे काम करना है, या मुझे साइकिल चलाना है, या तो फिर मुझे सब्जी खरीदना है, ठीक है, या तो मुझे पढ़ाना है, या तो मुझे पढ़ना है। मतलब ये सारे ऐसे काम हमें पता चला है कि ये काम हमें करना ही होगा। ठीक है, जैसे मुझे खाना बनाना है, तो क्या इसमें थोड़ा सा हमें मजबूरी दिख रहा है कि हमें बनाना ही होगा। ठीक है, मुझे पढ़ाना है, अगर देखिए यहाँ पे मुझे पढ़ाना है, इससे मतलब क्या है कि मुझे पढ़ाना है। अगर मैं नहीं भी चाहूंगा ना कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो भी मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मजबूरी निकल करके आ ही जाता है। तो मजबूरी वाला सेंटेंस में जिसके लास्ट में ना आ जाए, जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे दौड़ना है, ये सारा मजबूरी लग करके आ रहा है। क्योंकि देखिए, दौड़ रहा है तो इसका मतलब कोई रीजन जरूर होगा। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग इसका यूज करेंगे। तो चलिए एक करके हम लोग देखते हैं, हर एक चीज का तीन पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, हाँ, तो चलिए आज का ये सेशन देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस टू प्लस वी वन या ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखिए, राम को काम करना है, या राम को काम करना पड़ता है, या राम को काम करना होता है, बात एक ही है। ठीक है, कि राम को काम करना ही पड़ेगा, तीनों का सेंस यही निकला है, निकल के आ रहा है कि राम का एक मजबूरी है जो कि उसको काम करना पड़ता है। तो ये तीनों का सेंस एक ही है। राम, राम के साथ क्या लगेगा दोस्तों, हैज लगेगा। ठीक है, एक के साथ हैज लगता है, बाकी बहुत के साथ हैव लगता है। ठीक है, हैज उसके बाद जस्ट लाइक टू लगाना है, उसके बाद काम करने का वर्क होता है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे दोस्तों, जब ये टू को हटा देंगे ना, ये टू को हटा देंगे ना, तो ये अलग सेंस बन जाएगा। जब किसी के पास कुछ होता है, जैसे मेरे पास एक कलम है, तो वहां पे सिर्फ हैव और हैज को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे टू लगाने से कोई मजबूरी हो जाता है कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, तभी मजबूरी वाला पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, तो चलिए आगे। हम लोगों को पढ़ाना है, हम लोगों को पढ़ाना नहीं, पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मजबूरी निकल करके आ रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मजबूरी क्या निकल के आ रहा है कि हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों को वी अगर बहुत सारे हैं इसलिए हैव लगेगा, और इसके साथ क्या लगाना, टू हमेशा लगाना, और पढ़ना का रीड हो जाएगा। ठीक है, वी हैव टू रीड, हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब इसका पार्ट टू देखते आने के दूसरा भाग। ठीक है, चलिए इसका दूसरा भाग देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हैड, सिर्फ इसमें हैड लगाना, कोई इसमें फासला नहीं, सिर्फ और सिर्फ हैड लगाना, प्लस टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट। हाँ, कब, जब लास्ट में थार आ जाएगा तो, और जब इसमें है रहेगा तो क्या लगाना दोस्तों, इसके पहले जो पढ़ा है, हैव या हैज, यहाँ पे थार रहने से हैड सिर्फ लगता है उसका पास्ट, हैव हैज का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, क्या होता है, हैड। ठीक है, जैसे राम को काम करना था, या तो फिर राम को काम करना पड़ता था, या तो फिर राम को काम करना होता था, या राम को काम करना पड़ा, बात एक ही है कि उसका मजबूरी ही है बस। ठीक है, तो जहां भी आपको मजबूरी लगे, बिल्कुल आंख मूंद करके लगाई। ठीक है, तो राम है तो राम, इसके साथ कुछ नहीं सोचना कि कहाँ हेड लगेगा, क्योंकि एक ही चीज है। तो राम हेड, इसकी वजह से टू लगाना और काम करना का वर्क, तो राम हेड टू वर्क, राम को काम करना ही होगा, या तो राम को काम करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग स्कूल में है, तो एक मेरा वहां पे मजबूरी पड़ गई कि टीचर ने मुझे कह दिया कि तुम किताब पढ़ो, तो मुझे फ्रेंड्स के पास क्या बोलेंगे कि मुझे किताब पढ़ना पड़ा, तो मुझे का आई हो जाएगा, इसके साथ भी हैड लगेगा, इसके बाद टू, उसके बाद पढ़ना का रीड, तो आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा। अब चलते इसका पार्ट थ्री की ओर। हाँ, तो इसका ये थ्री भाग है। ठीक है,
सब्जेक्ट शैल हैव या तो फिर विल हैव प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कैसे रहेगा, तो मुझे यह काम करना होगा, ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है, लास्ट में गा गया था तो शैल और विल का यूज करते, ठीक है। आई और वी के साथ सिर्फ और सिर्फ शैल हैव लगता है, बाकी सभी के साथ विल हैव। फिर से आप सुन लीजिए, आई और वी के साथ शैल है, बाकी सभी के साथ विल हैव, ठीक है। तो मुझे यह काम करना होगा या मुझे यह काम करना पड़ेगा, बात एक ही है लेकिन ये फ्यूचर का बात कर रहा है, ठीक है, कि आने वाले समय में यह काम मुझे करना होगा, ठीक है। तो आई और आई के साथ सेल है, अभी मैं बताया आपको, और डू इसके साथ टू लगेगा, और डू डू मतलब होता है करना, और यह काम का दिस वर्क, तो आई सेल हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, राम को जाना होगा, राम को जाना होगा, तो राम का राम, अब इसके साथ विल हैव लगेगा, विल हैव लगा उसके बाद जान, और यहाँ पे तो टू लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि कोई भी काम मजबूरी में तभी होगा जब टू लगाएंगे, ठीक है। तो राम विल हैव टू जाना का गो। तो फाइनली दोस्तों ये मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। देखिए इस ये तो 11th डेज था, ये 12th डेज में हम क्या पढ़ने वाला है, यूज ऑफ इट का प्रयोग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और अगला पार्ट इसका देखना ना भूलें, इसमें हम फिर अगला चैप्टर क्या बताएंगे दोस्तों, इट के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।